गुजरने को खून चला आँखों के शीशे में उतरने को खून चला बदन से टपक कर जमी से लिपट कर गलियों से रस्तों से उभर कर उमड़ कर तो बेहद गौरवान्वित कर देने वाला पल आज लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को संबोधित किया। इसके बाद बच्चों के बीच पहुंचे और हर्षोल्लास के साथ उन्होंने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश को संबोधित किया, बारीकी से विश्लेषण करते हैं। हमारे साथ ग्रुप एडिटर जैन टीवी के दिलीप जी जुड़े हुए हैं, इसके साथ ही वरिष्ठ पत्रकार पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुरुआत आपसे करूंगा, लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस भाषण को, इस संबोधन को आप किस तरीके से देख रहे हैं, क्या खास, क्या मुख्य बातें आपको लग रही हैं इसमें? जी देखिए, इसमें अगर हम कुछ चीजों को देखें तो कुछ चीजें रस्मी हैं और उन्होंने आज भारत की 70वीं आजादी की सालगिरह पर कौम को खिताब तो किया, उसमें कुछ बातें कही हैं, लेकिन मुझे पहली बार ये चौथा संबोधन है लाल किले की प्राचीर से नरेंद्र मोदी जी का, लेकिन इस बार मुझे वो अपनी लय में नहीं नजर आए और कुछ कुछ मुझे ऐसे लगा कि कहीं कहीं वो बहुत अटके, तो इसमें लगता था कुछ द्वंद है उनके मन में ये जो चल रहा था। और जिस तरीके से वो हमेशा एक कहते हैं कि फ्लॉलेस जो स्पीच उनकी होती है उसमें उन्हें ना बहुत ज़्यादा देखना पड़ता है ना अटकना पड़ता है, लेकिन कुछ ज़रूर है ऐसा, कुछ ऐसी बात ज़रूर है उनके मन में रही है जिसकी वजह से शायद वो शुरू शुरू के भाषण में अगर आप 10 मिनट तक देखें तो काफ़ी उनका जो फ्लो था वो भी टूट रहा था और वो तालमेल नहीं बैठा पा रहे थे। तो ये तो एक बात है। अगर मैं कुछ बातों को छोड़ दूं तो मैं जो मुझे लगता था कि 4 साल के बाद भारत के प्रधानमंत्री का संबोधन जो होगा एक वर्ल्ड लीडर वाला होगा। अब उसमें जितनी बातें उन्होंने कही हैं ये करीब और करीब हम लोग सुनते रहे हैं। सर्जिकल स्ट्राइक बहुत पुरानी बात हो गई, नोटबंदी बहुत पुरानी बात हो गई, भ्रष्टाचार के खिलाफ नई बात कोई बहुत बड़ी बात पुरानी बात हो चुकी है, GST की बात हो चुकी, हमने SIT बनाया था, हमने नोटबंदी की थी, हमने ये, मुझे कुछ कुछ ऐसा लग रहा था कि प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से कम बोल रहे हैं और शायद कुछ चीजें उनको देश के लोगों को दोबारा से रिमाइंड करानी है, कुछ कुछ उसमें चुनावी झलक मुझे नजर आ रही थी। इतना बड़ा देश का मसला है, डोकलम में भारत की फौजें आमने सामने हैं चाइना के, इतना बड़ा विवाद है, पिछले करीब 50-60-70 दिनों से लगातार उस विवाद के ऊपर देश में चर्चा है, बाहर चर्चा है, संसद में चर्चा है, उस पर खामोशी रही। पिछली बार उन्होंने 15 अगस्त के इसी मौके पर जिस तरीके से बलूचिस्तान की बात कही, गिलगित की बात कही, बल्तिस्तान की बात कही, वो आज नदारत नजर आई। आज पाकिस्तान के आतंकवाद पे चुप्पी उनकी बड़ी खामोश मुझे समझ नहीं आई। इतना जबरदस्त भारत का हद देख रहे हैं, हर दूसरे दिन कोई ना कोई फौजी जम्मू कश्मीर की सीमा से देश के अलग अलग गांव में शहरों में पहुंच रहा है, उसके ऊपर कोई साफ उनकी नीति मुझे आज नजर नहीं आई और खामोशी भी मुझे जो है वो अजीब चौंकाने वाली लगती है। इस देश में एक राज्य जो है वो भारत के संविधान को चुनौती दे रहा है, एक राज्य के तमाम चुने हुए लोग और साबिक लोग मिलकर के इस देश की जुडिशरी को चुनौती दे रहे हैं, उनके बारे में भी उनकी खामोशी मुझे नजर नहीं आई। वो तमाम वही बात लगी कि हमें गोली नहीं, हमें गाली नहीं, हमें गले लगाना है। गले लोगों को 70 साल से लगाया जा रहा है, जो लोग बात करने की जगह हथियार उठा रहे हैं उनके लिए कोई सीधा मैसेज नहीं था। बहुत सारे ऐसे मुद्दे थे, मैं समझता था कि उस पर वो जरूर बोलेंगे, लेकिन बहुत सारी बातें मुझे लगा जो कई बार रिपीट हो चुकी हैं, लगातार रिपीट हो चुकी हैं, उस पर खामोशी रही। अमेरिका क्या कर रहा है, भारत की विश्व में क्या स्थिति है, हम कहां तक पहुंचे हैं, जो तमाम आंकड़े दिए जा रहे हैं कि भ्रष्टाचार में हमने इतना पैसा लिया, इतना यहां काले धन में पकड़ा, लेकिन यह भी देश नहीं समझ पा रहा है कि आपने काले धन के ऊपर तमाम सारी बातें कही, बड़ी बड़ी बातें की, लेकिन आज तक इस देश के अंदर पिछले कई दिनों 3 साल से हम देख रहे हैं एक बड़ा राजनीतिक आदमी जेल में भ्रष्टाचार के लिए नहीं गया। हम देखते हैं
हैं कि कर्नाटक में आप रेट डालते हैं, तमाम सारी बातें होती हैं। हम देखते हैं कि बिहार के अंदर आप लगातार रेट डालते हैं, लेकिन सरकार बनने के बाद बिहार के अंदर उस रेट के बाद क्या हो रहा है वहां एक चुप्पी है। न कभी वाड्रा के बारे में कोई बात आई, न सोनिया के बारे में बात आई। 1,76,000 का घोटाला, 1,86,000 का घोटाला, ये घोटाले कहां गए? इनके करने वाले राजनीतिक लोग कहां गए? तो वो तमाम सारे देश के लोग ये समझ रहे हैं कि आप जो कह तो रहे हैं लेकिन दिख नहीं रहा है। तो ये एक बड़ी बात है जिन मुद्दों पे मैं समझता था उनको टच करना चाहिए था। एक वर्ल्ड लीडर की हैसियत में आज मुझे उनका भाषण कहीं समझ नहीं आया। दिलीप जी, पुष्पेंद्र जी को तो पीएम नरेंद्र मोदी का भाषण, वो एक तो लय में नजर नहीं आए, कोई द्वंद्व उनके अंदर चला था, और वर्ल्ड लीडर वाली बात पीएम नरेंद्र मोदी के इस भाषण में नजर नहीं आई, क्या आपको भी यही लगता है? देखिए, मुझे लगता है दो तीन जो बात कह रहे हैं पुष्पेंद्र जी उसमें काफी कुछ ऐसी बातें हैं जो सबने देखा है, लेकिन जैसे आतंकवाद को लेकर जो उन्होंने कहा है, खास करके उन्होंने अलगाववादियों को एक तरह से कश्मीर से, हम जम्मू कश्मीर से अगर शुरू करें, उन्होंने बोला मुट्ठी भर अलगाववादियों को किस तरह से उन्होंने चिन्हित करके, और उन्होंने कहा कि उनसे उनको चुनौती देनी होगी, और उनको चुनौती देने के लिए उन्होंने जो रास्ता बताया कि हम गोली और गाली से नहीं बल्कि हम उनको गले लगा करके जो कश्मीरी हैं आगे बढ़ेंगे। लेकिन साथ ही जो जिस वहाँ पे टेक्निकल ग्लिच के कारण जो नहीं देख पाए थे, जो उन्होंने कहा कि आतंकियों के साथ हम किसी तरह का कोई नरमी नहीं बरतेंगे, क्योंकि उस अंश को हम देख नहीं पाए थे, और इस बात को उन्होंने साफ किया है कि किसी तरह की नरमी आतंकवादियों के साथ नहीं बरती जाएगी। तो अपनी साफ एक होते हैं कि आपकी पॉलिसी सोच समझ क्या है, तो आतंकवाद के को लेके चाहे वो जम्मू कश्मीर में हो या चाहे पाकिस्तान से आ रहे हों चाहे कहीं और से आ रहे हों, तो उन्होंने बहुत साफ कर दिया कि इनके खिलाफ हमारी जो कार्रवाई है उसमें हमारी किसी तरह की कोई नरमी के उन्होंने संकेत नहीं, उन्होंने कहा हम नरमी बरतेंगे ही नहीं। तो एक तो ये बात है जो हम देख नहीं पाए थे, जिसको मैं संज्ञान में लाना चाहता हूँ। दूसरी बात, मुख्य रूप से उन्होंने 4 साल के काम काज का एक ब्यौरा देने का काम किया। 3 साल में, 3 साल के बाद जो सरकार है, सरकार किस दिशा में काम कर रही है, भ्रष्टाचार मिटाने के लिए काम कर रही है, गरीबों को अपने साथ जोड़ने के लिए काम कर रही है, युवाओं को केंद्रित करके नीतियां बना रही है, और ये जो एक उनका लक्ष्य कि 3 साल के बाद जाहिर है कि आप सिर्फ भाषण देंगे उससे नहीं चलेगा, आपको सरकार की उपलब्धि को देश को बताना होगा। तो मुझे लग रहा है कि उनको ये, उन्होंने इस प्लेटफॉर्म को देखा कि देश अब आपके भाषण से नहीं, आपको आज चाहेगा कि आप बताएं कि आपने क्या किया है 3 साल में। 3 साल के बाद जो उनका एक रुख था वो इस रुख पे था कि आप देखिए, हमने गरीबों को से कृषि के क्षेत्र में, किसान के लिए, युवाओं के लिए, रोजगार के लिए, और ये महंगाई को कैसे हमने रोका है, तो ये जो वो चीज़ें, स्वास्थ्य और शिक्षा व्यवस्था किस तरह से हम बेहतर कर रहे हैं, हमने कितने 20 यूनिवर्सिटी खोले हैं, तो मुझे लगता है कई चीज़ों को वो छू के गए हैं, उन चीज़ों को जो 3 साल, 3.5 साल में, अभी तक 3 साल में करके उन्होंने सामने, देश के सामने रखा है। तो एक फोकस उनका उस पूरे भाषण में अगर हम देखें तो एक बड़ा चंक उनके टाइम का, लगभग 55 मिनट का भाषण था जी, और इस 55 मिनट के भाषण में मुझे लगता है सबसे ज्यादा समय उन्होंने सरकार की उपलब्धियों और सरकार की क्या दिशा होगी उस तरफ उन्होंने लोगों का ध्यान लिया है कि देखिए हम ये काम कर चुके हैं, इस काम पे हम कर रहे हैं और हमारे, हमें ये काम करना है। तो उसको 3 भाग में जब आप बांटते हैं तो दिखता है कि जो वो उपलब्धि रही है उसको चिन्हित किया, जो काम चल रहा है उसको उन्होंने चिन्हित किया, और जो उन्हें करने का इरादा है उसको उन्होंने उसका संकेत दिया। तो ये 3 अलग अलग एक पक्ष था उनके, जो उपलब्धि सरकार के लेके 3 साल के बाद, जो एक सरकार के मुखिया होने के नाते, देश के प्रधानमंत्री होने के नाते, या देश में जो उनसे उम्मीद कर रहे थे उन उम्मीदों पर वो कितना खड़े उतरे हैं, इस बात को वो चिन्हित कर रहे थे। जो दूसरा पक्ष है, जो जिस चीज़ पर वो बिल्कुल, हमें एक पिछले कुछ दिनों में खास करके गोरखपुर की घटना के बाद ये एक बहुत बड़ा सवाल था, और सवाल उठाया था, हमने भी उठाया था, तमाम लोगों ने भी उठाए थे कि प्रधानमंत्री हर छोटे बड़े चीज़ों पे ट्वीट करते हैं, बोलते हैं, लेकिन वो गोरखपुर वाले घटना पे उनका कोई ट्वीट उस तरह उनका मॉनिटरिंग के लिए आया? उसके बाद सरकार, राज्य सरकार भी एक्टिव हुआ, केंद्र सरकार के मंत्री भी एक्टिव हुए,
लेकिन प्रधानमंत्री का कोई उस पर संदेश नहीं था। आज उन्होंने लाल किला के प्राचीर से जब देश को संबोधित कर रहे थे तो प्राकृतिक आपदाओं के साथ साथ उसका भी जिक्र उन्होंने किया और किस तरह से देश उनके साथ खड़ा है ये भी उन्होंने चिन्हित किया। ये एक जो सबसे पहला जहां से उन्होंने शुरू किया है उसको हम देखें तो सबसे पहले उन्होंने जो आज़ादी के जो स्वतंत्रता संग्राम में जो लोग जिन्होंने बलिदान दिया उनको उन्होंने याद किया और उनको उन्होंने नमन किया और साथ ही साथ बोला कि पूरा देश जो है 125 करोड़ देशवासियों के साथ उन्होंने एक उनको जोड़ के अपने आप को कहा कि हम उनके प्रति आभार व्यक्त करते हैं, श्रद्धा व्यक्त करते हैं, आदर करते हैं, उनके त्याग तपस्या बलिदान योगदान के कारण ही आज आज़ादी मिली है। तो एक पक्ष तो वो था और जो तीसरा पक्ष जब वो तीसरी शुरुआत हुई तो उन्होंने वो आ गए फिर प्राकृतिक आपदा और जलवायु परिवर्तन को लेकर और जिस पे उन्होंने गोरखपुर का भी जिक्र किया। इसके अलावा उन्होंने इस 2017 के बारे में कुछ विशेष क्या क्या रही हैं उस पे उन्होंने ये क्विट इंडिया मूवमेंट के 75 साल हम मना रहे हैं, इसके अलावा 125 साल स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, तो कई चीज़ों को उन्होंने छूने की क्योंकि इतना बड़ा देश है, इतना बड़ा मुल्क, इतनी सारी चुनौतियाँ, इतने इतिहास को भी आपको देखना है, वर्तमान को भी देखना है, भविष्य की तरफ भी आपको चिन्हित करना है, तो वो उस हिसाब से हम देखेंगे तो उन्होंने तमाम चीज़ों को कोशिश की टच करने की। लेकिन जो उनकी अपनी शैली में जो पुष्पेंद्र कह रहे थे जो वो जब वो इससे पहले जब हमने देखा है तो कंटेंट को आप अलग अलग भी कर दें तो वो बिना अटके हुए बिना किसी जैसे उन्होंने जिस पे मुझे लगता है कि उन्होंने जो किसान में किसान के लोन की जो उन्होंने बात की थी तो वो बेसिकली वो 125 करोड़ कहना चाहते थे कि पहले 3 लाख था वो 125 करोड़ अब 2.75 करोड़ हो गया है, वो 125 करोड़ किसान बोल के गए जिसको लेके कुछ ऐसे जो लोग हैं हालांकि वो बहुत छोटी सी एक जैसे कहते हैं कोई चीज़ आप स्लिप कर जाना वो बहुत छोटी सी बात है लेकिन उसको तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक लय जो है जिसकी बात पुष्पेंद्र जी कह रहे हैं कुछ जगहों पे वो कनेक्ट पूरे तरह से मतलब अलग अलग चूंकि इतने सारे चीजों को इस बार वो इकट्ठा कर रहे थे तो मुझे लग रहा है कि वो स्वाभाविक था उस लय में नहीं आना। लेकिन कई जगह पे जब आखिर के आप बाद वाले जो उनके भाषण का अंश है जब उसमें देखें आप तो उसमें कई सारी तरह की चीज़ों को उन्होंने बिल्कुल साफ तरीके से और उसी लय में आ गए हैं। आखिर में वो लय में आए हैं पूरी तरह से लेकिन मुझे लगता है उस लय में नहीं आने के और आने के बीच के जो कारण हैं वो दो है। 3 साल के बाद सरकार की उपलब्धि पे सबकी नज़र थी लेकिन तमाम लोग ये भी एक्सपेक्ट कर रहे थे खास करके कि कुछ ऐसे मुद्दे थे जिसपे कि आपकी क्या राय है जैसे चीन के साथ जो इस वक्त स्टैंड ऑफ है वो तमाम लोग सोचते थे कि प्रधानमंत्री वहाँ से कुछ कहेंगे। हालांकि जहाँ से हम आज़ादी की अपने 71वां स्वतंत्रता दिवस को हम मना रहे हैं और जाहिर है कि हम उसमें जो बॉर्डर पे हमारी स्थिति है उस पे नहीं जाना भी एक ठीक कदम हो सकता है, इसके कई और पहलू भी हैं लेकिन कुल मिलाकर के प्रधानमंत्री के इस भाषण को अगर आप कंपेयर करें पिछले जब वो आए थे उसके बाद 2 साल के भाषण से तो वो आपको अलग दिखेगा क्योंकि अब वो 3 साल यहाँ पे पूरा कर चुके हैं सरकार का, 16-17 महीने उनके पास बचे हुए हैं काम करने के लिए तो उन्हें देश को अब ये अगली जो उनकी तैयारी है कि ये भी बताना था कि देखिए आपने जो 14 में हमें मैंडेट दिया था भरोसा हम में जताया था तो उस देश को हम किस तरह से किस दिशा में क्या क्या करके आगे ले जा रहे हैं इन चीज़ों को उन्होंने चिन्हित किया है। पुष्पेंद्र जी, दिलीप जी का कहना है कि तमाम पहलुओं को उन्होंने छुआ, डोकलाम जैसे विवाद को छूने के बजाय उन्होंने उपलब्धियों को गिनवाया क्योंकि कार्यकाल जो है अब महज कुछ और जो है महीनों का बचा है, 16-17 महीने और बाकी हैं, तो ऐसे में उन्हें बेहतर यही लगा कि जो आजकल जो आंदोलन जो है उनके मसले जो उपलब्धियां उनका बखान बेहद जरूरी है बजाय कि चीन के जो डोकलाम के साथ विवाद चल रहा है। नहीं देखिए मैं आप अगर मेरा भाव समझें तो नरेंद्र मोदी को हम इस 70 साल के सफर में एक ऐसा प्रधानमंत्री मानते हैं कि जो किसी भी विषय पे कहीं भी किसी वक्त भी फ्लॉलेस बोलता है और उनके बोलने से लगता है कन्विक्शन है। जो शुरू में मुझे लगा कि आज कुछ कन्विक्शन कम लग रहा है, बताना ज्यादा है, और मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं कि देश के लोगों ने
आप कल का भाषण देखें, स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर भारत के राष्ट्रपति ने जो कल अपना संदेश पढ़ा है, उसमें जीएसटी, उसमें नोटबंदी, उसमें वो भी वही सारी बातें उन्होंने कही हैं। और नरेंद्र मोदी को कभी बोलने का मौका चाहे कोई भी जगह हो तो वो छोड़ते नहीं है। तो जितनी बातें कही हैं नोटबंदी पे कहीं, तो मैं समझता हूं 100 बार जिक्र हो चुका है अलग अलग प्लेटफॉर्म के ऊपर। जीएसटी का जिक्र हो चुका है, हमने पहली एसआईटी बनाई थी, ये पहली एसआईटी यानी पहला जो मैं समझता हूं कि अगस्त 2014 में जो पहला उनका भाषण था उस वक्त भी जिक्र हुआ था। मेरा सिर्फ इतना कहना था कि हमने 4 साल में नरेंद्र मोदी के चौथा मतलब उनका संबोधन है, अब अगला 18 में है और 19 से पहले उनका टर्म खत्म होगा। मैं ये मानता हूं कि नरेंद्र मोदी की छवि एक वर्ल्ड लीडर की भारत में लोगों ने बनाई है और वो उन्होंने उसमें सक्सेसफुल भी रहे हैं। लेकिन एक वर्ल्ड लीडर जो है वो ऐसा लग रहा है कि अपने देश की छोटी छोटी समस्याओं में इतना ज्यादा फंसा हुआ है कि उसके पास लाल किले से भी उन बातों को करने का समय मिल रहा है। जी जी पुष्पेंद्र जी, पुष्पेंद्र जी, एक ब्रेक के लिए हम फिलहाल रुक रहे हैं, हम जल्द लौट रहे हैं। बदन से टपक कर जमी से लिपट कर गलियों से रस्तों से उभर कर उमड़ कर आंखों के शीशे में उतरने को खून चला बदन से टपक कर जमी से लिपट कर गलियों से रस्तों से उभर कर उमड़ कर ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से आज नोटबंदी का जिक्र किया। लगातार आंकड़ों की उनसे मांग हो रही थी कि नोटबंदी के बाद कितना पैसा आया है, बेनामी संपत्ति कितने जब्त हुए, तो एक एक कर आंकड़े भी आज हैं। बेनामी संपत्ति का जिक्र किया, कहा कि 800 करोड़ जो है हमने जब्त किया है और 125 लाख करोड़ जो है जो काला धन है वापस आए। दिलीप जी, लगातार विपक्ष भी मांग कर रहा था, लोग भी ये जानना चाह रहे थे कि कितना पैसा आया, क्योंकि लंबा वक्त हो चुका है नोटबंदी के लागू होने के बाद भी, लेकिन आरबीआई आंकड़े नहीं दे रहा था। तो आरबीआई के बजाय आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंकड़े दिए, तो क्या कांग्रेस और तमाम लोग संतुष्ट हो जाएंगे आज इन आंकड़ों से? सवाल कांग्रेस संतुष्ट होता है या वो नहीं है कि देश में भारत के प्रधानमंत्री के रूप में आप लाल किला के इस ऐतिहासिक जो क्षण होता है, जो हर देशवासी हर साल बड़े ईगरली हम इंतजार करते हैं कि इस बार प्रधानमंत्री क्या बोलेंगे, प्रधानमंत्री देश को क्या नया बताएंगे, क्या उनका संदेश होगा। तो एक ये मुझे नहीं लगता इसको बिल्कुल सियासत में हमें ले जाने की ज़रूरत है, लेकिन यहाँ से जो बातें कही जाती है उसका उस पर सियासी असर भी होता है। तो जो दो बातें महत्वपूर्ण हैं कि तो आतंकवाद के खिलाफ किसी तरह की नरमी नहीं, भ्रष्टाचार के खिलाफ जो लड़ाई है वो जारी है और उस लड़ाई में जो कठोर फैसले लिए गए उस कठोर फैसले के क्या परिणाम आए उसमें उन्होंने कहा कि 225 लाख करोड़ की राशि जो है वो शक के घेरे में है वो उस पर भी, लेकिन 225 लाख करोड़ जो है काला धन को सिस्टम में लाया गया है, 3 लाख करोड़ कैश जो है बैंकिंग सिस्टम में आया है। तो ये जो तमाम नोटबंदी के को लेके एक लगातार हम देख रहे हैं, लगातार अभी भी वो लोगों के कि नोटबंदी से आपको फायदा क्या हुआ, नुकसान क्या हुआ, ये तो लोग बता रहे हैं,
तमाम तरह के आंकड़े भी दे रहे हैं कि बहुत इसमें से कुछ निकल के नहीं आया, तो पहली बार जो उन्होंने 1,25,00,000 करोड़ की बात की है कि ये काले धन को हमने पकड़ा है, तो ये मुझे लगता है अपने उस जो एक सबसे मुझे लगता है कि ऐसा निर्णय था जिस पे तमाम लोगों ने सवाल उठाए, तो उस निर्णय के परिणाम को वो देश के सामने रख रहे थे। एक प्रधानमंत्री की हैसियत से उन्होंने उस निर्णय को लिया था, उसका क्या परिणाम हुआ उसको रख रहे थे। कश्मीर को लेकर के जिस तरह से हम लगातार देख रहे हैं, कश्मीर इस वक्त फोकस में है, उसके तीन पहलू हैं, एक तो अलगाववादी और आतंकवादी और पाकिस्तान, तीनों किस तरह से वहाँ हाइपर एक्टिव है, और भारत की फौज, भारत की फोर्स, पुलिस, सिक्योरिटी फोर्स, सुरक्षा बल किस तरह से उनको काउंटर करने में लगी हुई है। एक नैरेटिव भी हम देख रहे हैं, पॉलिटिकल नैरेटिव, इसके बावजूद कि पीडीपी के साथ सरकार, भारतीय जनता पार्टी वहाँ एक साथ एक गठबंधन में सरकार को चला रही है, लेकिन इसके बावजूद भी बीजेपी ने जो कोर वहाँ पे बीजेपी को एक कठोर कदम उठाने की जहाँ पे सरकार को जरूरत है, चाहे केंद्र सरकार द्वारा चाहे राज्य सरकार को, वो फोर्स कर रही है कि उस तरह के कदम को उठाएं, और वहाँ पे एक मैसेज कि हम कश्मीरी जो हैं उसको हम, वो हमारे लिए प्रायोरिटीज हैं, उसको उन्होंने एक मैसेज यहाँ से, क्योंकि जमहूरियत, कश्मीरियत, इंसानियत के पहले नारे दिए जा चुके हैं, उन नारों को आज भी लोग याद करते हैं, तो प्रधानमंत्री उन्हीं को, मुझे लगता है उसको एक कदम और आगे ले जाके गोली और गाली से नहीं बल्कि गले लगाने से चीज़ों को आगे बढ़ेगी। लेकिन आतंकवाद पे किसी तरह का समझौता, किसी तरह की नरमी का संदेश उन्होंने दिया है, संकेत दिया है, साफ दिया है कि कार्रवाई जारी रहेगी। इसके अलावा जो अर्थव्यवस्था, मजबूत अर्थव्यवस्था बनाने के लिए कि कौन कौन से काम किए जा रहे हैं उसको उन्होंने चिन्हित किया, किसान, मजदूर, नौजवान, शिक्षा, स्वास्थ्य, आपदा, जलवायु परिवर्तन, ये तमाम अच्छे चीज़ों का उन्होंने जिक्र किया। साथ ही साथ इस सदी में जो बच्चे पैदा हुए वो 18 साल के 2018 में 2000, तो वो उनको भी उन्होंने एक तरह से टारगेट किया, हमें जहाँ हमें पता है कि नए वोटर 2019 में जब होंगे वो सबसे ज़्यादा नए वोटर वही होंगे 18 साल के, जो तो उनसे प्रधानमंत्री ने कनेक्ट करने की जो पूरी उनकी कोशिश थी वो हमें देखने को मिला। तो इसमें तमाम तरह की वो चीज़ें मिली जो एक राजनीतिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है भाषण। लेकिन जो बात पुष्पेंद्र कह रहे हैं, मैं उनमें कुछ चीज़ों को, जैसे जब आपने बलूचिस्तान की बात की थी तो उसका नेक्स्ट स्टेप या नेक्स्ट स्टेज, नेक्स्ट बातें, अगली चीज़ें, हमने एक बार बोले और हम वहाँ फिर चुप हो गए, तो उसके अगर उसको बोल के चुप होना था या उस पर कुछ कर रहे हैं, ये एक उम्मीद कर रहे थे। पाकिस्तान जिस तरह से भारत विरोधी कार्रवाई में लगातार और चीन के साथ मिलके, इस वक्त जो पाकिस्तान का एक गठजोड़ है, चीन और पाकिस्तान का जो नापाक गठजोड़ है, उससे किस तरह से निपट रहा है, उन्होंने हालांकि कहा कि दुनिया आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ है, उन्होंने ये तो बताया, लेकिन आतंकवाद अकेले नहीं है। जिस तरह का एक्सपेंशनिस्ट मोड में चाइना है, जिस तरह के आक्रामकता चीन ने भारत आतंकवाद, चाहे जो अजहर के, मसूद अजहर के खिलाफ जो लगातार वो यूएन में, सिक्योरिटी काउंसिल में जिस तरह का उनका रुख है, तो उन चीज़ों को लेके भारत का क्या, जो स्टेट्समैन की बात पुष्पेंद्र कह रहे थे कि वर्ल्ड लीडर की बात कह रहे थे कि आज हम दुनिया के साथ मिलकर के जो दुनिया की मूल चुनौतियाँ हैं, चाहे वो, अगर हमें भारत को अगर विश्व गुरु बनना है, अगर भारत को दुनिया में अपनी भूमिका अदा करना है, तो भारत सिर्फ भारत में आपने नोटबंदी के असर को या आपने आर्थिक जो आपकी रूपरेखा है उसको चिन्हित नहीं, बल्कि भारत को एक यहाँ से मैसेज दुनिया को भी देना होता है कि भारत किस दिशा में सोच रहा है, भारत की सोच क्या है दुनिया को लेके, वो चीज़ दुनिया को लेके भारत की सोच जो है वहाँ पे हम देखते हैं कि जो जिसे हम कहते हैं इंटरनेशनल परस्पेक्टिव ऑफ इंडिया, भारत का वो दृष्टिकोण, जो एक वैश्विक दृष्टिकोण जो है उसके बारे में प्रधानमंत्री, मुझे लगता है कि हमें कुछ यहाँ पे देखने को नहीं मिला। दूसरी चीज़ जो एक बहुत बड़ा है, जो आंतरिक सुरक्षा के थ्रेट्स हैं, जो उन्होंने ये तो कहा कि धर्म के नाम पे, आस्था के नाम पे या किसी तरह के हिंसा को देश स्वीकार नहीं करता है। अब उन्होंने कहा कि हम भारत जोड़ो, भारत छोड़ो था 42 में, 75 साल
के बाद हम भारत जोड़ो को आगे बढ़ा रहे हैं, ये सब नारे अच्छे हैं, ये पहल अच्छी है, लेकिन जो आंतरिक चुनौतियां हैं कठिन, खास करके सुरक्षा को लेके, रक्षा को लेके, उन चीजों में जो वृद्धि हुई है या वो क्या स्थिति है, वो भी देश इस समय अपेक्षित था कि आप उन चीजों को करें, उन चीजों पे केंद्रित करके देश को बताएं। तो मुझे लगता है कुछ चीजें, ये दो जो की एस्पेक्ट है, एक इंटरनेशनल इंडिया का प्रस्पेक्टिव सोच क्या है और एक आंतरिक जो चुनौतियां हैं वहां पे हम कहां खड़े हैं, इसके अलावा उन्होंने जो जिन चीजों को मुझे लगता है सिर्फ टच करते हुए आगे बढ़े, वो है एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट में उन्होंने कहा कि अब जो है युवा जो है वो रोजगार देने वाले बन रहे हैं, वो रोजगार दे रहे हैं, एक युवा जो है तीन तीन चार को रोजगार दे रहा है, लेकिन जिस तरह से डिप्लीट हुआ है एम्प्लॉयमेंट, जिस तरह से कम हुआ है, जो चुनौतियां लगातार जो सवाल विपक्ष की तरफ से उठाया जा रहा है, एम्प्लॉयमेंट के फ्रंट पे भारत की उपलब्धि क्या रही है, सरकार का क्या उसमें योगदान रहा है, सरकार उसके बारे में क्या सोच रही है, वो चीजें हमें लगा कि थोड़ा सा वो टच करके निकल गए। उस पर स्वराज से सुराज की बात की, बाकी तो बहुत सारी चीज़ों को, गरीबों को कि गरीबों को लूट कर जो बेईमान बने हैं उसको उनकी खैर नहीं है, ये तमाम बातें की है, वन रैंक वन पेंशन, टेक्निकल टेक्नोलॉजी को यूज़ करने की बात, लेकिन साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भारत का नेक्स्ट लीप क्या, किस तरह का है, मंगलयान हम इतने दिन में कर लेते हैं और ट्रेन पटरी या 42 साल से एक प्रोजेक्ट नहीं चल रहा था उसको हमने कर दिया, लेकिन हमारा जो नेक्स्ट लीप है वो किधर है, वो दिशा क्या है, टेक्निकल क्षेत्र में, साइंटिफिक इन्वेंशन के क्षेत्र में हम किधर जा रहे हैं, हमारे शोध जो है, तो कई पहल, कई ऐसे चीज़ें हैं जिसको हमने देखा कि उन्होंने टच वो नहीं कर पाए। और जो सबसे ज़्यादा जो आप जैसे कुछ ऐसे है, कृष्ण कश्मीर और तीन तालाक, ये तमाम चीज़ें वहाँ पे बात हुई है, तो इन चीज़ों पे लोग और भी ज़्यादा डिटेल में जाके प्रधानमंत्री के चीज़ों को लोग देख रहे थे। और मुझे लगता है कि डिजिटल दुनिया होने के कारण पूरी दुनिया में ही वो आज देखे, क्योंकि इसका लाइव स्ट्रीमिंग भी हो रहा था, लोग उनको सुन रहे थे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 साल के बाद एक ऐसे मैंडेट को, उनको देश ने ऐसा जनादेश दिया है, जिस जनादेश के बाद हम तमाम लोग ये जरूर सोचते हैं कि अब इसके बाद का भारत क्या होगा, इसके बाद का भारत क्या होगा, तो शक्तिशाली होगा, समृद्ध होगा, होगा, लेकिन उसका उसका रोड मैप क्या है, उसको हम किस तरह से आगे बढ़ा रहे हैं, वो चीजें, कई चीजें ऐसी है दुनिया में जो आज के दिन में जो सवाल है जिसका जवाब हमें अपेक्षित तो था लेकिन मिला नहीं। पुष्पेंद्र जी, अब तो भारत खुले तौर पर कहता है कि भारत में जो भी आतंकवाद है वो पाकिस्तान प्रायोजित है, कश्मीर में है पाकिस्तान प्रायोजित है, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर हम कहते हैं कि हम पाकिस्तान को एक्सपोज करेंगे, लेकिन क्या आपको नहीं लगता है कि आज लाल किले की प्राचीर से पाकिस्तान को एक स्ट्रांग मैसेज देने की जरूरत थी? इससे पहले जब पिछली बार उन्होंने संबोधन किया था, देश को संबोधित किया था, तो उस वक्त बलूचिस्तान का जिक्र किया था, लेकिन इस वक्त ना ही, इस बार जो ना ही बलूचिस्तान का जिक्र किया ना ही पाकिस्तान का जिक्र किया, तो यानी कि जो स्ट्रांग मैसेज देने की जो जरूरत थी वो स्ट्रांग नहीं दिया गया। देखिए, मैं जो शुरू से बात कह रहा हूं, जो दिलीप भी मेरी बात का कुछ हद तक समर्थन कर रहे हैं, यह भाषण प्रधानमंत्री का देश, दुनिया में जितने भी देश हैं वहां की एम्बेसीज में सुनाया जाता है, वहां झंडा रोहण होता है, आप दुनिया इस भाषण को देख रही है। नरेंद्र मोदी इस समय विश्व पटल पर एक ऐसे लीडर की हैसियत में उभरे हैं जब अरब यह उम्मीद कर रहा है कि कहीं नरेंद्र मोदी और भारत अरब वर्ल्ड और इसराइल के बीच में मध्यस्थता कर सकता है, यह एक अपने आप में बड़ी उपलब्धि है। वो सुनना चाहते थे लोग कि क्या है इसमें, कहीं कहीं आपका कोई योगदान है, किस तरीके का योगदान है, क्या कर सकते हैं, क्योंकि यह बात भारत की विदेश मंत्री से, भारत के प्रधानमंत्री से, तमाम फिलिस्तीन के लीडर ने, अरब वर्ल्ड ने कहा है कि अगर नरेंद्र मोदी के संबंध इसराइल से बेहतर होते हैं तो हम समझते हैं कि एक बरसों पुरानी समस्या जो है, पूरा अरब वर्ल्ड जो है उसमें मध्यस्थता कर सकते हैं जी। इसके साथ साथ आप वर्ल्ड लीडर में, आप सिक्योरिटी काउंसिल में सीट के बड़े दावेदार हैं, आपके आज भाषण में मुझे लगता है कि आप बहुत छोटे छोटे मामलात में उलझे हुए हैं, और नरेंद्र मोदी भारत में एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो कभी भी किसी भी इवेंट पे किसी भी जगह जाकर के अपनी बात कह सकते हैं। मैं ये कह रहा था कि आज आप ये देखें कि जब भारत के प्रधानमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह हो रहा था, उस शपथ ग्रहण समारोह के समाप्त होने से, अभी विदेशी मेहमान यहां भारत में थे,
और उसी वक्त पीएमओ के अंदर एक मिनिस्टर हैं जितेंद्र सिंह, उन्होंने कहा कि धारा 370 हटनी चाहिए। यह उस दिन का भाषण है। आपने लोगों में जोश दिला दिया। वो तमाम राष्ट्रवादी ताकतें इस बात की उम्मीद कर रही थी कि पिछले 40 साल से भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में जो 370 की बात है उसे अब हटाया जा सकता है, क्योंकि प्रधानमंत्री के ऑफिस ने अपनी मंशा जाहिर कर दी है। चार साल के बाद और चौथे संबोधन के बाद अगर देश में 370 के ऊपर सुप्रीम कोर्ट कुछ पूछता है, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होती है, उस राज्य के, मैं फिर अपनी बात दोहरा रहा हूं, आपको मेरी बात अजीबोगरीब लगेगी, मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज दुनिया में हर जगह ताकतें जो बैठी हुई हैं, हम जानते हैं कि अलगाववादी लंदन में बैठे हैं, आतंकवादी अमेरिका में बैठे हैं, पाकिस्तान में बैठे हैं, चाइना में बैठे हैं, भारत में अलग अलग तरीकों और मुखौटों में बैठे हैं। ऐसे लोगों को सख्त मैसेज की जरूरत थी। आपने कहा हम आतंकवाद से कोई समझौता नहीं करेंगे। यह शब्द पिछले चार साल में, साढ़े तीन साल में हम 100 बार सुन चुके हैं, लेकिन आज जो बात उन्होंने कही उस पर मैं प्रश्न करना चाहता हूं। प्रधानमंत्री ने कहा चंद मुट्ठी भर अलगाववादी, तो हम सब जानते हैं कि यह हुर्रियत की दुकान जो है, जो 1993 में एक नाजायज तरीके से बनाई गई थी, आज उन्होंने जम्मू कश्मीर के 5 जिलों को आग के हवाले कर रखा है, शटर डाउन कर देते हैं, उनका टाइम टेबल चलता है। लेकिन यह भी सच्चाई है कि नरेंद्र मोदी के दौर में देश को पता चला कि यह हुर्रियत के लोगों को सरकार 500 करोड़ रुपए खर्चा करती है इनकी सुरक्षा पे, इनकी सेहत पे, इनके आने जाने पे। मैं एक भारतीय के नाते, एक टैक्स पेयर के नाते मुझे यह तकलीफ होती है कि मेरे पैसे से इस देश के गद्दारों को, इस देश के तोड़ने वालों की सुरक्षा क्यों की जाती है। अब तक नहीं पता था, लेकिन अब देश को जब पता हो गया तो उनकी सुरक्षा क्यों नहीं हटाई जा रही, उनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा, जब देश का प्रधानमंत्री यह कहता है कि यह अलगाववादी जो है चंद लोग हैं और यह माहौल खराब कर रहे हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। 3.5 साल के बाद आज तक मेन स्ट्रीम नाम का ना गिलानी, ना मलिक, ना मीरवाइज, जिसने हत्या करा दी एक डीएसपी की, उनको नहीं पकड़ा जा रहा। छोटे मोटे लोगों को पकड़ करके इंक्वायरी चल रही है। यह सवाल एक उस भारतीय का है जो लगातार इन चीजों को देख रहा है। 265 भारतीय फौजी शहीद हुए हैं अकेले कश्मीर के अंदर, उनकी लाशें देश के गांव में जाती हैं, शहरों में जाती हैं, तो लोग यह सबर करते हैं कि शायद अब डिसाइसिव होने वाला है। लेकिन हम बार बार वही सुनते हैं, आप जिस सरकार के साथ हैं, जिस पार्टी के साथ सरकार बनाए बैठे हैं, उसकी भाषा में, हुर्रियत की भाषा में, मूसा की भाषा में, नबी की भाषा में कोई अंतर नहीं है। तो सवाल यह है, सरकार चलाइए, कहिए जो कुछ करना है, आप कार्रवाई भी कर रहे हैं, लेकिन यह इतनी लंबी कार्रवाई नहीं हो सकती कि भारत का आर्मी चीफ अगर यह कहता है कि हमारा देश 2.5 युद्ध के अंदर ग्रस्त है, तो हम सब देश जवान जी, एक आम आदमी यह समझ पाता है कि एक तरफ पाकिस्तान है, दूसरी तरफ चाइना है, लेकिन आधा युद्ध इस भारत के अंदर है। उस युद्ध के लिए हम क्या कर रहे हैं, उस युद्ध से लड़ने की हमारी क्या शक्ति है, हम किस तरीके से उन ताकतों को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। कुछ एक्शन होता है, मैं वही बात फिर कहूंगा। भ्रष्टाचार के ऊपर हम बहुत बार सुन चुके हैं, लगातार सुन चुके हैं, और हम यह मानते हैं कि भारत के अंदर राजनीतिक लोग भ्रष्टाचार में ज्यादातर डूबे हुए हैं। क्या हुआ मुलायम सिंह का, क्या हुआ मायावती का, क्या हुआ शरद यादव का, शरद पवार का, ये तमाम सारी चीजें अभी कुछ दिन पहले तक हम देखते थे कि रोज रेड हो रही है, रोज एक घोटाला निकलता था लालू के बेटे का, लेकिन सरकार बनने के बाद एकदम शांत हो गया। हमने कर्नाटक में देखा, एक एमपी और एक एमएलए के एक होटल में रोज सुबह से लेकर शाम तक ईडी पहुंच रही थी, जैसी राज्यसभा का चुनाव खत्म हो। यह देश जानना चाहता है भाई, यह प्रधानमंत्री से पूछना चाहता है कि आखिर ऐसा क्या होता है कि कुछ दिन तक बात चलती है फिर टल जाता है। आप एक कमीशन बना देते हैं वाड्रा का, फिर वो ठंडे बस्ते में चला जाता है, फिर कुछ बात होती है, फिर कहानी आ जाती है। तो आखिर इतने सारे घोटाले हुए थे, जिस भ्रष्टाचार के खिलाफ यह सरकार आई थी, उस भ्रष्टाचार में चंद आपने किसी एक आध ब्यूरोक्रेट को पकड़ के जेल में डाल दिया, लेकिन क्या भारत का कोई राजनीतिक जेल के अंदर गया, नहीं गया। यह सवाल है कि आखिर 4.5 साल के बाद जिन चीजों को लेकर के आप सत्ता में आए थे उसमें कहां बड़ा बदल, ठीक है बहुत कुछ काम हुआ भी है, लेकिन यह रूटीन काम है, सड़कें बनना रूटीन काम है, सड़कें बननी चाहिए, बिजली पहुंचानी चाहिए, अच्छा काम कर रहे हैं, पुराने लोगों ने नहीं पहुंचाया, आप पहुंचा रहे हैं। लेकिन
आज भी देश के सामने हजारों करोड़ों रुपए का बजट आतंकवादियों से लड़ने, अलगाववादियों के ऊपर तमाम दूसरी जगह जा रहा है, उनको कैसे रोका जाए? भ्रष्टाचार, आप कहते हैं मेरी सरकार में भ्रष्टाचार नहीं हुआ, सब मान रहे हैं, कोई ये नहीं कह रहा, लेकिन जो भ्रष्टाचारी खुलेआम घूम रहे हैं, जिन्होंने करोड़ों करोड़ों का भ्रष्टाचार किया, उनको सजाएं भी मिल गई, लेकिन राजनीति में आज भी वो लोग भी बने हुए हैं। तो हमको लगता है कि भ्रष्टाचार करो, पकड़े भी जाओ, दो चार साल की सजा होगी, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं होगा। हम देखते हैं कि नीरा यादव का नाम आपने सुना होगा नोएडा के मामले में, उनको सजा मिल गई है, लेकिन जितने करोड़ों को उन्होंने भ्रष्टाचार किया है, सजा उनको 4 साल मिली है। लोग तो कहते हैं 4 साल बाद तो मौज होगी। तो अगर ऐसे 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 मापदंड बनेंगे इस देश के अंदर, तो लोगों के ऊपर जरूर इस बात का असर होगा कि भ्रष्टाचारी भ्रष्टाचार करो, कुछ दिन के बाद छूट जाओगे, सजा बहुत कम होगी, क्या फर्क पड़ता है। तो ये जो एटीट्यूड हमारे देश में था, इसको लेकर के लोगों में एक उम्मीद थी जब आप सरकार में आए थे, जब आपने अब एसआईटी बना दी। आज एसआईटी का जिक्र हम अगस्त 2014 से सुन रहे हैं और आज 2017 हो गई, वो एसआईटी की बात घूम रही है, लेकिन उस एसआईटी के बाद देश का एक राजनीतिक दल, एक पार्टी का कोई आदमी आज तक जेल के अंदर नहीं गया। माल्या इस देश का बाहर घूम रहा है, हम रोज देखते हैं रेड कॉर्नर हो गया है जारी, आज आएगा कल आएगा। तो कहां कौन सा भ्रष्टाचारी इस देश के अंदर पकड़ा गया? इससे तो ऐसा लगता है कि भ्रष्टाचार कहां हो रहा था, कौन कर रहे थे, किसी को पता नहीं है। तो ये तमाम जितनी बातें उन्होंने कही हैं, मेरा उससे कोई विरोध नहीं है, वो तमाम अच्छी बातें हैं, लेकिन आप जरा सोचिए, भारत का प्रधानमंत्री दुनिया के 4-5 लोगों में आता है, वहां उसकी वो पूंछ है, वहां उसका वो कद है, वहां उसका वो मर्तबा है, वहां उसका वो वकार है, लेकिन वो प्रधानमंत्री अपने ही देश के अंदर जिस वक्त ऐसे प्लेटफॉर्म से, जब दुनिया उसके भाषण को सुनती है, दुनिया के डिप्लोमेट वहां बैठे हुए थे, तमाम आप छोड़ दीजिए विपक्ष ने क्या कहा, छोटी पार्टियों ने क्या कहा क्या नहीं कहा, लेकिन जितनी बातें मैं सुन रहा हूं, हम सब, आप तमाम सारे लोग, हम लगातार ये रोज में सुनते रहते हैं, कोई इसमें हमें नई बात नहीं लगी। नोटबंदी से क्या हुआ, कुछ आंकड़े भी आपको देने थे, तो क्या लाल किले से विपक्ष को आंकड़े देने की जगह थी क्या? क्या आपने विपक्ष के कुछ लोगों को, जो विपक्ष अपने आप में हम ये मानते हैं कि भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है, वो कोई भी आंकड़ा उछाल देते हैं, किसी भी तरीके की बातें करते हैं, तमाम नॉन सीरियस किस्म का विपक्ष है, उनके आंकड़ों का जवाब देने के लिए रेड फोर्ट था? रेड फोर्ट से दोस्त दुनिया सुनना चाहती थी, चाइना में क्या आपका रोल है, साउथ चाइना सी के अंदर क्या संकट है, भूटान की आप क्या मदद कर रहे हैं, बांग्लादेश के साथ आपके क्या संबंध है, नेपाल के साथ आपके क्या संबंध है, अभी 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 आपने हाल में सुना होगा श्रीलंका के अंदर जिस तरीके से भारत ने अपने इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल किया, तो उन्होंने कहा हम चाइना को, तो ये तमाम सारे, क्योंकि आज भारत के तमाम सारे लोग, मीडिया इतना मुखर है, इन संचार के माध्यम इतने मुखर है कि लोगों को पता है क्या समस्याएं, लेकिन लोगों को यह नहीं पता कि हमारे प्रधानमंत्री का चाइना के ऊपर क्या रोल है, हमारे प्रधानमंत्री का पाकिस्तान जो एक टेररिस्ट स्टेट है उसमें क्या रोल है। आप गले लगाएंगे, हमको पुकारेंगे, ये सब बातें चलती रही हैं, लेकिन 70 साल के बाद जनता ने आपको इसलिए चुना था कि नहीं, अब ये सब नहीं होगा, किसको गले लगाना है किसको नहीं लगाना है, जिनको गले नहीं लगाना है उनको रास्ता दिखाना है। ये नहीं चलने वाला अब इस देश में कि हम उनको पुचकारेंगे, मनाएंगे, फिर उनके साथ गीत गाएंगे, फिर वो हमारे हो जाएंगे, ये इस देश में नहीं हुआ। जिनको जो करना है वो करें, इसीलिए मैं कह रहा हूं 70वीं सालगिरह के मौके पर इस देश में अभी भी ये विवाद चल रहा है कि तिरंगे को हम सलाम करेंगे, हम राष्ट्रगीत नहीं गाएंगे, हमारा मजहब पहले है, हम मुसलमान पहले हैं, कुरान पहले है, संविधान बाद में है। अगर ये बहसें इस देश में चल रही हैं, तो इस देश के लोगों को भी समझना चाहिए और प्रधानमंत्री को भी समझना चाहिए कि आखिर ये प्रवृत्तियां जो बढ़ रही हैं, इसको रोकने के लिए आपने क्या किया है। 3 तलाक का मामला आप कहते हैं कोर्ट में लेके गए, लेकिन पिछले 40 साल से यूनिफॉर्म सिविल कोड का मामला आपके मैनिफेस्टो में लिखा था, उसके ऊपर एक कदम आगे नहीं बढ़े, हम धारा 370 पे एक कदम आगे नहीं बढ़े। तो ये सवाल क्या है, हम मामला उछालते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि आपने का जिक्र किया, लेकिन 15 अगस्त 2016 के बाद से एक लफ्ज सरकार ने इसके आगे नहीं बोला कि हमारा उस पर कोई रोड मैप है, हम क्या करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते हैं। कम से कम
जो मुल्क दूसरे हैं वो आपके मुल्क के अंदर जो कुछ कर रहे हैं वो खुल के करते हैं, बोलते हैं, और आपके पूरे देश को उन्होंने परेशान कर रखा है। लेकिन हम बलूचिस्तान पे लोगों की उम्मीदें जगाते हैं, बलूचिस्तान से हजारों लोग फोन करते हैं, हिंद बलोच फोरम को जो आप जानते हैं वो एक पूरे देश में लोगों को जगा रहा है, उसमें कई बलूचिस्तान के लोग हैं, लेकिन सब ये सवाल पूछते हैं कि प्रधानमंत्री उसके बाद क्यों नहीं बोलते। आज भी सबको लगता था कि शायद उससे कुछ आगे बोलेंगे, तो कई सारी मामलों पर चुप्पी जो है कि आप लोगों में उम्मीद जगाते हैं और फिर खामोश हो जाते हैं। आप कह रहे हैं 9 महीने लगते हैं मंगलयान को जाने, लेकिन उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री पिछले 4 साल से 4 बार लगातार एमपी रहा है, वो उसी क्षेत्र का है, उसको एक एक चीज पता थी, उस सब के बावजूद भी 9 महीने में आप मंगलयान तक चले जाते हैं, लेकिन 70 साल तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती और मासूम बच्चे मर जाते हैं। तो मैं समझता हूं कि ये घटनाएं जो हैं, ये भी सबको लगता है, आप तमाम विकास के आंकड़े दीजिए, विकास की बातें कीजिए, लेकिन जमीन पे नहीं पता है। दिलीप मुझसे अक्सर ये कहते रहे, आप बताइए 2019 तक 20 करोड़ लोग बेरोजगार इस देश में होंगे, उनके लिए क्या रोड मैप है भाई? वो युवा 18 साल का जिसकी आप बात कर रहे हैं, वो युवा जो कहते हैं कि हमारे यहां 65% है, उसकी बड़ी शक्ति है, लेकिन वो बड़ी शक्ति का अगर 20 करोड़ युवा सड़क पे खड़ा होगा तो ना किसी को देशभक्ति सूझेगी, ना किसी को राष्ट्र सूझेगा। उसके पेट की आग बुझाने के लिए, उसको नौकरी देने के लिए क्या संसाधन किए जा रहे हैं? लोग कह रहे हैं लगातार नौकरी गिर रही है और आपके आंकड़े कह रहे हैं, तो फिर किस 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 किस्म की तमाम सारी जो बातें हैं उस पर देश का युवा आम आदमी कैसे यकीन करे? बाकी हकीकत तो यह है कि इतने तमाम मसलों को छुआ नहीं जा सकता, लेकिन आंतरिक मसलों को जरूर छुआ। लेकिन दिलीप जी, कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की सोच क्या है, भारत का योगदान क्या है, यह बेहद जरूरी था लाल किले के मंच से बताना, जो पीएम नरेंद्र मोदी ने नहीं बताया। कुछ चीजें भारत की जो पॉलिसी है उसको उन्होंने किया, लेकिन भारत और पिछली बार हमने कई सारी चीजों को सुना था, तो उसी शायद और इस वक्त जो हमारे खास करके चीन और पाकिस्तान के जो मैंने बोला कि एक नापाक गठजोड़ के कारण जो चुनौतियां भारत के लिए है वो कहाँ से, उसमें भारत कहाँ बैठता है, जो जापान चीन रूस या साउथ सी में जो चीज़ें हो रही है वहाँ भारत की भूमिका क्या है, जो वेस्ट एशिया पश्चिम और मिडल ईस्ट में जो हिंसा है वहाँ पे भारत भूमिका क्या है, जो ग्लोबल इकोनॉमिक फोरम्स है जहाँ पे भी जो जितने भी हैं वहाँ भारत का क्या है, जो मल्टीलैटरल फोरम्स हैं दुनिया भर में जहाँ पे आज भारत एक सबसे उभरता हुआ इकोनॉमी भी है वहाँ भारत की भूमिका क्या है, वहाँ भारत आज किस स्थिति में खड़ा है, तो कुछ चीज़ें ऐसे रही है जिनको कि हम देखते हैं कि वो चीज़ें जो हम अपेक्षित थी वो चीज़ें हम नहीं देख पाए इस भाषण में। लेकिन जो चीज़ें चूँकि मुझे लगता है कि अब बहुत कम महीने, अब महीने रह गए हैं चुनाव में, तो चुनाव में महीने रहने के कारण उनको आंतरिक या जो इंटरनल चीज़ें थी, जो उपलब्धियां थी या जो आंतरिक चुनौतियां हैं उस पर उन्होंने फोकस किया, और ख़ास करके जो दो उन्होंने बड़े फैसले लिए, चाहे वो जीएसटी का फैसला देखें या फिर नोटबंदी का, जो उन्होंने 1 अप्रैल से 5 अगस्त 2017 तक 56 लाख नए लोगों ने आयकर रिटर्न फाइल किए हैं, और ये एक साल पहले जो संख्या थी वो 22 लाख की थी, तो ये एक उपलब्धि के तौर पे वो देश के सामने रखना चाह रहे हैं। नोटबंदी के बाद 18 लाख लोगों की आय और व्यय में अंतर पाया गया है, और 4.5 लाख लोग इसको इस पे जवाब देने के लिए आगे आए हैं। नोटबंदी के बाद 3 लाख करोड़ वो कहते हैं बैंकिंग सिस्टम में आपको कैश आया है, जिसमें से 2.25 लाख करोड़ संदेह के घेरे में है, 2 लाख करोड़ तक ब्लैक मनी वो कहते हैं कि लगभग आपके बैंक में आया है, 3 लाख कंपनियां जो शेल कंपनी होती है, मुखौटा कंपनियां जो होती है, 2.25 लाख कंपनियों का पंजीकरण रद्द किया गया है। एक ही पते पे जो उन्होंने कहा, जो बड़े पते की बात है, कि 400 कंपनियां चल रही थी और ये पूरी तरह से मिली भगत का खेल चल रहा था, तो उसमें दो चीजें हैं, एक तो उनके निर्णय का असर क्या हुआ, और दूसरा भ्रष्टाचार के खिलाफ जो उनकी लड़ाई है वो डिसाइसिव लड़ाई है, उस पर वो पीछे नहीं हट रहे हैं और उस पर वो आगे बढ़ रहे हैं, और उसके परिणाम भी जो है अच्छे, उसके आंकड़े के बदौलत उन्होंने इस बात को कोशिश की कि वो आपको बताएं। साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि जो नया इंडिया, नई टीम इंडिया, नया संकल्प, नई इंडिया को जो बनाने की बात कर रहे हैं, जिसमें गरीबों के पास पक्का घर होगा, बिजली होगी, पानी होगा,
आप एक इंसान को जब कहते हैं तो वो एक आम गरीब की, देखिए अलग अलग एस्पिरेशंस होते हैं देश में, जिनके पास आज हम ये बात करते हैं कि भारत की विदेश नीति और भारत की वैश्विक दृष्टिकोण क्या है, लेकिन आज जो 70% भारत है, जो जिसको भूख जिसको जिसके लिए बुनियादी रोटी कपड़ा मकान की जो सुविधा है उनको, वो चूंकि मैंने कहा कि कुछ महीने रह गए हैं चुनाव के, तो उनको उनको बताना है कि देखिए ये सरकार जो है गरीबों की सरकार है, और उस गरीबों के लिए वो आपका पक्का घर भी होगा, आपके पास बिजली भी होगी, आपके पास पानी भी होगा, और देश का जो चाहे किसान है वो चिंता में आज नहीं है, वो चैन से सोएगा क्योंकि हम उन तक पानी भी पहुंचाएंगे इरिगेशन के लिए, तो वो युवाओं के लिए महिलाओं के लिए भरपूर अवसर पैदा करेंगे, ऐसा भारत बनाएंगे जिसमें आतंकवाद संप्रदायवाद जातिवाद मुक्त होगा। तो ये जो चीज़ें हम उनके भाषण में हमने जो देखा है कि ये एक कुल मिला करके 2019 के जो चुनाव की जो चुनौतियां हैं, या तीन साल में जिन लोगों ने 3 साल पहले उनको एक प्रचंड बहुमत दिया था, एक जनादेश दिया था, उस जनादेश का उन्होंने क्या किया, उस जनादेश से लोगों को क्या मिलने वाला है या क्या मिला है, इस जनादेश के बाद की जो अपेक्षाएं थी उम्मीदें थी उस पर आप कितना खड़े उतरे हैं। हम हाल में ही जो लगातार एक उनके सरकार पे उनके हमला बोला जा रहा है गौरक्षा को लेके या कुछ एक हिंसा को लेकर, तो उन्होंने कहा आस्था के नाम पे हिंसा ठीक नहीं है, जातिवाद का जहर देश का भला नहीं कर सकता है, हमें शांति एकता और सद्भाव से आगे बढ़ना है, शांति और सद्भाव से चलता है क्योंकि ये गांधी और बुद्ध की भूमि है, यहाँ पे आस्था के नाम पे आप इस देश में आप हिंसा नहीं चला सकते हैं। और आज के दिन में हमने 75 साल के क्विट इंडिया मूवमेंट को सामने रखते हुए उसी चीज को और ये चुनौतियों को सामने रखते हुए हमने भारत जोड़ो का नारा यहां से दिया है, हर किसी को हमें जोड़ना है, और उसी जोड़ने के क्रम में उन्होंने कहा है कि जो कश्मीरी हैं वहां पे उनको हमें गले लगाना है, गाली और गोली से नहीं उनको गले लगाना है। तो कई चीजें जो मैंने आप देखिए जो मोर्चा उन्होंने आज संभाला है अपने भाषण में वो उसके दो पहलू हैं, एक है प्रचंड जनादेश के बाद सरकार ने उन उम्मीदों पे क्या काम किया है, सरकार का क्या कामकाज रहा है, उसका उन्होंने एक लेखा जोखा देने का कि उन्होंने कोशिश की है, साथ ही साथ उन्होंने जो बात कही है कि पूरे अब जो अगला जो रोडमैप है भारत की तरक्की के लिए भारत के विकास के लिए वो फोकस कर रहे हैं पूर्वी इंडिया पे, अब पूर्वी इंडिया में उत्तर प्रदेश बिहार बंगाल नॉर्थ ईस्ट, अगर इस इन, इन इनको हम देखें तो उत्तर प्रदेश में 85 सीटें उत्तराखंड में 54 सीटें बिहार और झारखंड की फिर पश्चिम बंगाल की, तो 200 सीटें का जो ये पूरा आंकड़ा है जो पूर्वी भारत की तरफ हम जब बढ़ते हैं यहाँ से शुरुआत होती है और वहीं से विकास का भी वो देख रहे हैं कि वहाँ से क्योंकि वो सबसे पिछड़ा इलाका भी है, तो पिछड़ा इलाका होने की वजह से भारत किस तरह से चीज़ों को करेगा उसका भी उन्होंने आगे का एक कोऑपरेटिव फेडरलिज्म और ये तमाम चीज़ों के बारे में उन्होंने जिक्र किया। तो मुझे लगता है कि अब वो 19 के रास्ते पे ज़्यादा आगे चल रहे हैं और ये जो 3 प्रचंड जनादेश जो उन्हें मिला था उस जनादेश को कितना उन्होंने सम्मान करके देश में तरक्की की है, देश में क्या क्या किया है उसका लेखा जोखा आज उन्होंने इस पूरे चीज़ को, हालांकि उसमें बहुत समग्र काफ़ी चीज़ें हैं क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो कुछ कई बार क्या होता है कि शब्दों में आप पूरे चीज़ों को बयान कर देते हैं, जब आप कहते हैं कि भारत को एक समृद्ध और शक्तिशाली देश बनाना है तो इस देश शक्तिशाली का आपका पैमाना जो है जो बाकी देश है उसके तुलनात्मक दृष्टिकोण से भी आप देखते हैं तो भारत का किस तरह का नजरिया होना चाहिए वो भी सामने रखते हैं। जी तो अब छोटे से एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, आप कहीं मत जाएं, जल्द लौट रहे हैं। आंखों के शीशे में उतरने को खून चला, बदन से टपक कर जमी से लिपट कर गलियों से रस्तों से उभर कर उमड़ कर खून चला। Oh
आंखों के शीशे में उतरने को खून चला, बदन से टपक कर जमी से लिपट कर गलियों से रस्तों से उभर कर उमड़ कर खून चला। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से आज देश को संबोधित किया, कई मसलों को छुआ, 2022 का जिक्र किया, न्यू इंडिया का जिक्र करते हुए नजर आए। पुष्पेंद्र जी, कल राष्ट्रपति का हमने संबोधन सुना, उन्होंने भी देश को संबोधित किया और उन्होंने भी न्यू इंडिया का जिक्र किया, 2022 का जिक्र किया। उनके भाषण में कई सारी ऐसी चीजें थी जो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण में भी देखने को मिली। मैंने आपको जिक्र किया कि करीब करीब कोई ऐसा इशू नहीं था, चाहे नोटबंदी हो, चाहे GST हो, स्वच्छ अभियान हो, ये तमाम जितनी सरकार की स्कीमें चल रही हैं, कल राष्ट्रपति अपने स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या का जो भाषण होता है उसमें हमने सब सुना। मैं ये कह रहा हूँ, मैं लगातार एक ही बात कह रहा हूँ कि इस देश के किस आदमी को ये नहीं पता कि जितनी बातें आज प्रधानमंत्री ने कही हैं ये वो अलग अलग मंचों से कहते रहे हैं। और बल्कि मैं भी दिलीप से कह रहा था कि ये 2022 में हर गरीब को घर मिलेगा, ये तो हमने पिछले साल के भी भाषण में सुना था। तो जो मुझे जो जिसकी तरफ बार दिलीप इशारा कर रहे हैं कि इस सरकार का और नरेंद्र मोदी के अपने प्रधानमंत्री कार्यकाल का अगस्त 2018 में आखिरी भाषण होगा लाल किले से, क्योंकि मात्र अब उनके पास में 15-16 महीने रह गए हैं। तो 15-16 महीने में अगर हम 2019 की तरफ जाएं तो मई में शपथ ली थी, तो उससे पहले चुनाव होना चाहिए, कार्यकाल उनका उस वक्त तक समाप्त होगा, तो उसके बाद अगस्त का मौका उन्हें नहीं मिलेगा अगर सही टाइम पे चुनाव होते हैं। तो अगला उनका भाषण जो है 2018 का लाल किले से आखिरी होना चाहिए उनके कार्यकाल का। लेकिन नरेंद्र मोदी के पास एक ही सबसे बड़ी चीज है कि जब वो भाषण देते हैं तो बहुत शानदार भाषण देते हैं, बेहतरीन ओरेटर हैं, शब्दों की कमी उनके पास नहीं होती, विषय की जानकारी उनके पास पूरी होती है, लेकिन कभी कभी आज के भाषण में जो मैं बार बार कह रहा हूं कि ऐसा लग रहा है कि रिपीट हो रही है बातें, कोई नई बात, कोई नया उसमें उत्साह, कोई नई ऊर्जा। मैं उनकी भाषा शैली का बड़ा सम्मान करता हूं, उसका आदर भी करता हूं और लोग उस पर डिस्कशन करते हैं तो डिफेंड भी करता हूं, लेकिन मुझे आज ऐसा लग रहा है कि पिछले तीन जो भाषण दिए हैं लाल किले से और अलग अलग समय में, सबको रिपीटेशन है, कोई नई बात नहीं है। जातिवाद को पछाड़ना है, सांप्रदायिकवाद को खत्म करना है, भारत को जोड़ना है, ये तमाम सारी बातें हमको याद है कि गोरक्षक के ऊपर भी उन्होंने एक बार स्पीच में कहा था कि ये वो गुंडे लोग हैं जो रात में गड़बड़ करते हैं और फिर गोरक्षा के नाम, ये तमाम सारे बातें उससे तो बहुत डाइल्यूटेड आज बोले हैं, आज तो उन्होंने उनका नाम नहीं लिया, उन्होंने आस्था की बात कही है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, इतना बड़ा शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया गोरक्षकों को, उन्होंने कहा कि ये गुंडे हैं, काले कारनामे करते हैं, बदनाम, ये तमाम, उसके बाद भी तो नहीं रुकी बात ना, किसानों की बात आप कह रहे हैं, सॉयल हेल्थ कार्ड की बात की और तमाम सारी बात की। मैं कह रहा हूं योजनाएं बन रही हैं, क्या योजनाएं मंत्रालयों से निकल के जमीन पर उतर रही हैं? अगर जिस तरीके की योजनाएं बन रही हैं, जो बताया जा रहा है, जो दिखाया जा रहा है, जो कुछ कुछ समझ आ रहा है, लेकिन वो जमीन पे क्यों नहीं उतरती? मैंने इसलिए बार बार एक बात को मैं फिर दोहराऊंगा कि उत्तर प्रदेश ने भारतीय जनता पार्टी को 70 से ज्यादा सीटें दी हैं, उत्तर प्रदेश ने 15-17 साल का भारतीय जनता पार्टी का जो बनवास था वो वापस कर दिया है, और अब तक मैं समझता हूं कि एक आधी कोई आसपास जो बहुमत रहा होगा, इतना प्रचंड बहुमत नहीं दिया, और एक ऐसे आदमी को मुख्यमंत्री बनाया गया जिसका कोई आगा पीछा बहन भाई जो सीधे तौर पे कहीं नहीं जुड़ा, जिसके ऊपर करप्शन का कोई चार्ज नहीं है। लेकिन मैं दुख के साथ बार बार ये बात कह रहा हूं कि जिस आदमी ने शपथ लेते वक्त ये कहा था उत्तर प्रदेश की कि जापानी बुखार एंटीफ्लाइटिस से चलते गोरखपुर जो है हर साल हजारों मौतें होती हैं और यही महीना होता है,
और वो शख्स उस जगह से पिछले चार बजे कम से कम 20 साल से लोकसभा में वहां का रिप्रेजेंटेटिव रहा है, हर चीज उसके आसपास है और खुद योगी जी का अपना एक पैरेलल तंत्र वहां चलता है। उस सब के बावजूद इतनी बड़ी घटना के योगी जी जिस अस्पताल में गए थे दो दिन पहले गए थे और उनको इतनी बड़ी त्रासदी हो जाएगी उसका अंदाजा नहीं था। तो इससे एक बात पता चलती है, सत्ता में आने के बाद लोग क्या नीचे से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं या सत्ता की एक दूसरी भाषा में चले जाते हैं कि उनके घर में क्या होने वाला था उन्हें नहीं पता चला, उसके बाद में ये त्रासदी हो जाती है। प्रधानमंत्री ने उस पर खामोशी से चुप्पी साधे रखी, आज भी जो कुछ कहा है उसमें कोई निर्देश नजर नहीं आया। भारत के अंदर एक गोरखपुर नहीं है, यह भारत इतना बड़ा देश है इसमें हजारों गोरखपुर हैं, हजारों जगह यही समस्या है, लेकिन एक गोरखपुर की घटना को लाल किले से हल्के से कहते हुए जाने से बात नहीं बनेगी। कितने लोगों का हेड रोल हुआ इसमें, कितने लोगों को बाहर किया गया। आप एक आध डॉक्टर को प्रिंसिपल को निकाल दें हमारे देश में, यही सबसे बड़ी समस्या है कि आपको पता है बीमारी कहां है लेकिन बीमारी का इलाज नहीं करते हैं। आप बीमार के नाम पे उस बीमारी के नाम पे किसी को कहते हैं कि ये बीमार है और उसको हटा देते हैं। जब भी कोई ऐसा मसला आता है तो हमने 70 साल में कम से कम नहीं देखा कि उसको जड़ से उखाड़ दिया गया हो, उसमें चाहे अपना हो पराया हो अच्छा हो बुरा हो विपक्ष का हो सत्ता, ये नहीं होता है, बड़ा सेलेक्टिव होता है, इसलिए बीमारी बनी रहती है, आप किसी को हटा देते हैं। ये मैं कहना चाह रहा हूं कि अभी भी मैं प्रधानमंत्री से ये कई सवाल मेरे मन में हैं कि मेरे देश को एक सूबे की मुख्यमंत्री अगर ये कहती है जिसके साथ सरकार है कि अगर हमारे स्पेशल इलीगल प्रोविजन जिसका हम मजा उठा रहे थे और जो लोगों की आंखों से धूमिल था उसको अगर छेड़ा गया तो हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर तिरंगे को कोई कंधा देने वाला नहीं होगा, ये आवाज नरेंद्र मोदी के दौर में नरेंद्र मोदी की पार्टी की सरकार चलते हुए उसका वजीर आला कहता है तो ये शर्म की बात है। अगर वो ये कहता है कि तिरंगे को कोई कंधा देने वाला नहीं होगा, महबूबा मुफ्ती, तिरंगे को कंधा देने वाले लोग बहुत हैं, आप अपने बारे में सोचें कि आपको कंधा देने वाला कोई मिलेगा या नहीं मिलेगा। फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, अगर कश्मीर में तांडव होगा तो यह भी याद रखें कि इस बार देश के लोग बहुत नजदीकी से देख रहे हैं। ये धमकियां, ये चुनौतियां, ये डराना आपने 70 साल में सीखा है और सरकारें दिल्ली की आपके सामने नतमस्तक होती रही हैं। मेरा नरेंद्र मोदी से जो कहना है कि अगर आपके दौर में भी इन जैसे सफेदपोश आतंकवादी, इन जैसे सफेदपोश सियासी लोगों के सामने अगर आपने घुटने टेके तो यह राष्ट्र आपको माफ नहीं करेगा। लिहाजा चाहे उमर अब्दुल्ला हो, चाहे महबूबा मुफ्ती हो, चाहे गिलानी हो, चाहे मूसा हो, ये नबी हो, ये हर दिन बैठ करके देश के लोगों को जब चुनौती देते हैं, संविधान को चुनौती देते हैं, जुडिशरी को चुनौती देते हैं, तो देश का नागरिक जो है आपके भाषणों से जो जोश उसमें भरता है उसका जोश खत्म हो जाता है। लिहाजा अगर आपको देश में एक रखना है तो ऐसे लोगों को सरेआम पकड़ें, सरेआम उनको सजा दें, तब लोगों को लगेगा आप कुछ कर रहे हैं। लेकिन आप गले लगाने की एक तरफ बात करेंगे, दूसरी तरफ सत्ता उसके साथ आपकी चलेगी जो यह कहेगा कि तिरंगे को कंधा देने वाला नहीं मिलेगा। यह मेरे लिए नहीं, यह देश के प्रधानमंत्री के लिए एक बड़ी चुनौती है। इसके ऊपर लोग हम सुनना चाहते थे, गोली की बात और गाली की बात, ये सब बातें होती रही हैं। कश्मीरियत की बात भी अटल बिहारी वाजपेयी ने बहुत समय तक चलाई, वो भी सबने देखा रहा, लेकिन ये अजीबोगरीब का बात है कि कश्मीरियों को जब कुछ लेना होता है, केंद्र से कुछ लेना होता है, भारत से कुछ लेना होता है, तो वो जमहूरियत का विलाप करते हैं, वो इंसानियत की बात करते हैं, वो कश्मीरियत की दुहाई देते हैं, लेकिन उसी कश्मीर में जब तिरंगे को उठाने की बात होती है, उसी कश्मीर में जब फौजी का मर्डर होता है, उसी कश्मीर में पुलिस वाले का मर्डर होता है, तो वो जिहादियत की बात करने लगते हैं, वहाबियत की बात करने लगते हैं। तो सवाल यह है कि क्या कश्मीर में पिछले 70 साल से ऐसी ऐसी धाराएं जिनका कोई वजूद नहीं था, जिनको देश की सुप्रीम कोर्ट की अदालत जो है चार चार पांच पांच बेंच जो है वो उसको देख रही है, उसके बावजूद भी ये कहा जा रहा है कि अगर इससे छेड़छाड़ की गई तो ये सरकार की चिंता की बात नहीं है, ये इस देश की जुडिशरी को लेना चाहिए। क्या कुछ चंद गुंडे, कुछ बदमाश, कुछ लुटेरे, कुछ आतंकवादी खड़े होकर के भारत की कोर्ट को चुनौती देंगे और कोर्ट जो है उस हिसाब से फैसला करेगी तो यह 70 साल के बाद मेरे लिए शर्म की बात है।
दिलीप जी, आज पीएम मोदी ने मसलों को तो छुआ, लेकिन ऊपर ऊपर से इन मसलों को छुआ, चाहे गोरखपुर की बात हो, सेना के जवान सरहद पर मारे जा रहे हैं उनकी बात हो, चाहे कश्मीर का मसला हो, ऊपर ऊपर से ही चीजों को छूकर पीएम मोदी निकल गए। नहीं देखिए, ऊपर ऊपर से नहीं, आप सबसे छोटा भाषण था अब तक जितने भी भाषण हुए हैं प्रधानमंत्री के, नरेंद्र मोदी के, उसमें ये सबसे छोटा भाषण था। पिछले वर्ष की तुलना में इस बार अगर हम देखें, जब से नरेंद्र मोदी ने लाल किला के प्राचीर से, चौथा भाषण उनका है और 71वां स्वतंत्रता दिवस हम मना रहे हैं, तो जिन चीज़ों को उन्होंने संबोधित करते हुए चौथी बार जो कहा है, उन्होंने लगभग हर मुद्दे को छुआ है। कोशिश उनकी ये थी कि हर मुद्दे को छुआ जाए, चाहे वो गोरखपुर हो, चाहे वो बिहार का बाढ़ हो, जम्मू कश्मीर के राजनीतिक हालात हों, नोटबंदी हो, सर्जिकल स्ट्राइक हो, न्यू इंडिया मिशन जो उनका है वो है, तीन साल की जो उपलब्धियां रही है वो है, ये तमाम चीज़ों को उन्होंने छूने की कोशिश अपने उसमें किया है। उसमें जिस चीज़ को लेके उन्होंने मैं इसको देखता हूँ कि अगर फोकस जो उनका इस वक्त पूरे भाषण का जो है, कि वो कहीं ना कहीं आने वाला जो 2019 का चुनाव है, चाहे 2018 में जो 18 साल के हो जाएंगे उसकी बात है, चाहे किसान के लिए जो काम हो रहा है, चाहे गरीब के लिए जो काम हो रहा है, चाहे वो मजदूर के लिए जो गरीबी मुक्ति का जो उनका काम है, ये जो चीज़ें हैं, तो ये एक तरह से उन्होंने कोशिश की है उनको अपने साथ जोड़ने की। जो हम तीन तलाक और महिला पीड़ित महिलाओं की उन्होंने बात की, और देश में उन्होंने मीडिया को धन्यवाद दिया, उन्होंने कहा कि इसको मीडिया ने काफ़ी अच्छे तरीके से, ये जो पीड़ित महिलाएं हैं उसको वो सफल होंगी इसके कारण से, और तो उन्होंने एक अपना एक प्रधानमंत्री के रूप में जो उनकी सोच है उसको भी उन्होंने रखा कि जो आधी आबादी है उसमें से खास करके जो मुस्लिम महिलाएं जो तीन तलाक जिस तरह से होता है, जिस तरह से पीड़ित, तो उसको उन्होंने सामने रखा। तो मुझे लगता है कई चीज़ों के बारे में उन्होंने एक प्रधानमंत्री के नाते, जो पहले भी मैं कह चुका हूँ कि वो लगातार चीज़, जैसे दाल उत्पादन का उन्होंने कहा कि रिकॉर्ड उत्पादन हुआ और 16 लाख टन जो है दाल की खरीद की गई, तो ये चीज़ें जो सबसे बड़ी समस्या है किसानों के लिए, बारिश के अलावा हम देखते हैं कि किसान ज़्यादातर निर्भर होता है प्रकृति पे, तो उन्होंने कहा कि हम इस दिशा में काम कर रहे हैं, किसानों की जो पानी की समस्या है वो जल्द ही जल्द खत्म किया जाएगा, उन्होंने कहा बीज से बाजार तक किसानों की समस्या को खत्म होगा। ये एक बहुत लंबे समय से हम देख रहे हैं कि किसान की जो सबसे बड़ी, आज आप टमाटर उगाते हैं उसको फेंकना पड़ता है, आपके पास स्थिति नहीं है कि, तो उन्होंने कहा बीज से बाजार तक जो उनका ये है, तो लेकिन अब ये चीज़ें हैं कि इतनी बड़ी चीज़ें जो 70 साल में हमने देखा है कि जिसपे बहुत काम नहीं हुआ, तो वो 22 मैंने उनकी जो ये है कि बीज से बाजार तक किसान की समस्या उसको खत्म किया जाए, कब तक खत्म किया जाएगा उन्होंने ये नहीं बताया है, या पानी के जो समस्या है उस दिशा में काम कर रहे हैं उसको कब तक पूरा किया जाएगा ये नहीं बताया है। जो उन्होंने रोजगार, जो मैंने कहा कि रोजगार के बारे में शिक्षा को नौकरी से जोड़ने का काम तो किया है, लेकिन जो रोजगार की स्थिति है उस पर क्या ठोस स्थिति क्या है, उस पर आंकड़े क्या है, उस पर जो उससे सवाल किए जा रहे हैं सरकार से, उस पर कोई जवाब नहीं है। अगर आंतरिक स्थिति का, काला धन को लेके बिल्कुल वो लगातार, काला धन और भ्रष्टाचार को लेके लगातार वो आक्रामक रहे हैं, और इस पूरे भाषण में भी उन्होंने जो आंकड़े दिए हैं वो भी एक आक्रामकता का ही परिणाम नज़र आता है। तो मैं ये देख रहा हूँ पूरे तरह से कि प्रधानमंत्री मोदी जी के भाषण को इस बार मैं 2000 की चुनाव के चुनौतियों से निपटने की तैयारी के तरह मैं इसे देख रहा हूँ, ना कि भारत देश की उम्मीद अपेक्षाएं या भारत के दृष्टिकोण और भारत के प्रधानमंत्री जो लाल किला से एक, मैंने इंडिया एज अ स्टेट का स्टेटमेंट नहीं था ये, इंडियन प्राइम मिनिस्टर हु इज अ पॉलिटिशियन ऑल्सो, उनका एक आगे की तैयारी जो 19 की तैयारी है, उस तैयारी का ज्यादा जोर, उस पर ज्यादा जोर था कि 19 की तैयारी उनको किस दिशा में करनी है, वो देश को कैसे अपने साथ लेके चल रहे हैं। अगर भारत के स्टेट का या हिंदुस्तान के स्टेट्समैन का कोई भाषण होता तो शायद वो अलग होता, जिसको हमने पिछले सालों में देखा है, अनुभव किया है, वो अनुभव इस बार हम नहीं कर पा रहे थे शायद, जो पुष्पेंद्र जी लगातार कह रहे हैं, और मैं
उसका उसको इसलिए देख रहा हूं कि आने वाला जो 2019 है वो काफी चीजें तय करेगी भविष्य, भारत के भविष्य को भी। तो उन्हें उनके उनके लिए 19 जो है सीधे सामने बिल्कुल खड़ा है। अब कुछ महीनों की बात है, उन महीनों में देशवासियों को उनको समझाना भी है, बताना भी है और अपने साथ भी लाना है कि अगर आपको भारत के भविष्य का निर्माण करना है तो 2022 का जो हमने सब गरीबों के लिए सबको बिजली पानी घर देने की बात कर रहे हैं, उस सपने को अगर पूरा करना है, भारत को अगर सबल और शक्तिशाली बनाना है, भारत को एक वैभवशाली, भारत का अपना जो एक गौरवशाली इतिहास रहा है उसको फिर से अगर दोबारा रचना है तो उसके लिए ये सारे काम हम कर रहे हैं, आप हमारे साथ आइए। तो मुझे लगता है ये भारत के स्टेट्स प्रधानमंत्री स्टेट्समैन नहीं है इस वक्त, प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की जो सरकार है उसके मुखिया है, उस तरह से भी उन्होंने भाषण दिया है और कुछ जगहों पे उन्होंने टच किया है। हालांकि भारत एक स्टेट पॉलिसी जो है आतंक के खिलाफ दुनिया उनके साथ है और आतंक के खिलाफ भारत कोई नरमी नहीं बरतेगा ये भी साफ किया है, लेकिन एक जो चुनौती है उस चुनौती को उन्होंने जहां आतंकवाद से सख्ती से निपटने की बात की है, वहीं जो कश्मीर के जो अवाम है उसको उन्होंने कहा है कि उनके लिए वो गोली नहीं है, उनके लिए गाली नहीं है, उनके लिए गले उनका उनका गला जो है उनका जो वो खुला हुआ है गले मिलने के लिए खड़े हैं, पूरा देश खड़ा है, उस बात को उन्होंने फोकस किया है। तो मुझे लगता है कई जगहों पर अपने अगर इसको हम उस उम्मीद से नहीं देखें, हम इस तरह से देखें कि प्रधानमंत्री ने एक राष्ट्र को संबोधित किया है लाल किला के प्राचीर से एक सामने में 2019 को रखते हुए, तो चीजें बड़ी आसान सी हो जाती हैं। राजीव, गले लगाकर जो है समस्या को सुलझाएंगे। पुष्पेंद्र जी, आप इस बयान को किस तरह से देख रहे हैं? कश्मीर में जिस तरह के हालात हैं, हाल ही में कुछ दिनों पहले जो घटनाक्रम चला आ रहा है, चाहे वो पत्थरबाजी से लेकर हो, लगातार आतंकी घटनाएं हो रही हैं और कश्मीर के लोग भी खासे नाखुश हैं, ऐसे में ये बयान क्या कश्मीर वासियों में जो है एक तरह की संवेदना पैदा करने के लिए जो है इस तरह का बयान दिया गया? देखिए, मैं जो बात शुरू से कह रहा था कुछ कुछ उस तरफ दिलीप ने साफ इशारा कर दिया कि ये पहली बार हुआ है कि भारत के प्रधानमंत्री ने लाल किले से देश में न उम्मीद न अपेक्षाएँ न उत्साह न ऊर्जा आज के इस भाषण से पैदा नहीं हो रही है। और देखिए, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब हो रही थी तो हमने जम के तारीफ भी इसी चैनल पे की है, ये पहली बार लग रहा है कि वो अपने कन्विक्शन में कम और अपना जो उनका कैलकुलेशन है उसमें ज़्यादा फंसे हुए हैं। और जो बात दिलीप कह रहे हैं कि 2019, तो दिलीप हम आप सब जानते हैं कि 29 राज्यों का ये देश है, यहाँ हर 2 महीने 4 महीने 6 महीने बाद ये जो चुनाव का उत्सव होता है उसमें सबको चुनाव की भाषा बोलनी पड़ती है। आप बार बार चुनाव को ध्यान में रखकर अगर बात बोलेंगे तो राष्ट्र कहाँ जाएगा, राष्ट्र के लोगों में जो ऊर्जा आनी चाहिए, जो उत्साह आना चाहिए, जो आपसे उम्मीद जगनी चाहिए, वो कमी नज़र आ रही है। और नरेंद्र मोदी ने 2014-15-16 में जो देश के सामने उम्मीद जगाई है उसमें मैं भी शामिल हूं, मैं भी ये मानता हूं काम हो रहा है, काम हो रहा है, लेकिन मैं फिर वही कहूंगा कि जैसे आप सवाल पूछ रहे हैं कि कश्मीर में उन्होंने कहा कि गाली और गोली से नहीं होगी, गले लगाने से बात होगी, मैं साफ साफ इस बात को बहुत ब्लंट उसमें कहता हूं कि आप मुझे बताइए क्या इस देश में अलग अलग राज्यों में लोग वही भाषा बोलना शुरू कर दें जिस भाषा कश्मीर से हमें सुनाई दे रही है, लगातार सुनाई दे रही है, संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग बैठ कह रहे हैं, जो संविधान पद पर बैठ के हट चुके हैं लोग वो कह रहे हैं, अभी अभी देश के उपराष्ट्रपति ने अपने पद छोड़ने से पहले एक दिन पहले जिस किस्म की बात की है, आज भी ये प्रवृत्तियां इस देश में लगातार मजबूत हो रही हैं और कश्मीर उसकी एक मिसाल है। तो मेरा कहना है कि पहले अटल जी आए, उन्होंने कश्मीरियत, जमहूरियत और इंसानियत की बात कही, तब भी हमने देखा वहां कितने लोग मारे गए, तब भी कश्मीर के अंदर जो अलगाववाद है वो पार्टियों के अंदर भी शामिल है, समाज में भी शामिल है। मैं फिर बात कहूंगा कि कश्मीर के टोटल जिलों में 5 जिलों के अंदर वहाबाइजेशन हो चुका है, जिहादिज्म हो चुका है, आजादी की लड़ाई नहीं लड़ी जा रही, अब वहां नारे लगाए जाते हैं यहां निजाम-ए-मुस्तफा होगा। तो सवाल यह है कि जो लोग इस्लाम की हुकूमत
वहां नाफिज करना चाहते हैं, उन्हीं के इरादों को तो महबूबा मुफ्ती मजबूत कर रही हैं, उन्हीं के इरादों को तो उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला मजबूत कर रहे हैं। तो गले किसको लगाने की बात कर रहे हैं आप? जिनको गले लगा रहे हैं उनको आप 80 करोड़ 1000 करोड़ रुपया देते हैं, देश उस पर सवाल नहीं पूछता है। फौज उनको बचाने जाती है, देश सवाल नहीं पूछता है। भारत के टैक्स पेयर का पैसा वहां जाता है, सवाल नहीं पूछते। जिनको गले लगाना है वो गले लगे हुए हैं। कहीं आपने सुना कि लद्दाख में भारत विरोधी कोई कार्रवाई हुई? कभी आपने सुना जम्मू में कुछ हुआ? क्या वजह है कि कश्मीर के 5 जिलों की 7% आबादी ने पूरे कश्मीर को यरगमाल बना रखा है और वो चुनौती देते हैं भारत की रिट को, और भारत की सरकार दिल्ली से कहती है हम गले लगाएंगे? आप किसको गले लगाएंगे जब आप ये मानते हैं कि ये अलगाववादी देश के लिए खतरा है? तो उनकी सुरक्षा क्यों है? उनको क्यों नहीं हटाया जा रहा? उनको क्यों नहीं गिरफ्तार किया जा रहा? क्यों नहीं उनको पकड़ा जा रहा? मेरा सवाल यह है। उसमें कई ऐसे भी हैं जो अलगाववादी हैं, आतंकवादी है, उसके लिए तो प्रधानमंत्री ने कह दिया, लेकिन जो आवाम है, जो खुलेआम घूम रहा है, जो ट्रेटर ये कहता है कि मैं पाकिस्तानी हूं, हम पाकिस्तानी हैं, ये डिस्प्यूटेड लैंड है, ऐसे लोगों की भाषा बोलने वाले अगर किसी और राज्य में होते तो दिलीप साहब आप मुझे बताइए क्या इतनी देर लगती? क्या आतंकवाद जब पंजाब में था तो आपने ये देर की थी कि गुरुमंदिर साहब के अंदर आपने गोल्डन टेम्पल में फौजें चढ़ा दी थी? क्या वजह थी कि आपका वहां एक्शन इतना क्रूर था? और क्या वजह है कि 70 साल हो गए और आप इन लोगों के किलों को नहीं डाल रहे जो नाजायज कमाई से कश्मीर को यरगमाल बना के पूरे देश में आतंक फैला रहे हैं? आज जिस तरह से आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई उस देश में चल रहा है, ज्यादा खतरनाक है जो सफेद कॉलर में है, जो गिलानी की शक्ल में है, जो उमर अब्दुल्ला की शक्ल में है, जो महबूबा की शक्ल में है, उनका इलाज नहीं हो रहा। तो इस खास कार्यक्रम में फिलहाल के लिए इतना ही। दिलीप जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, पुष्पेंद्र जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अब बने रहे जॉइंट टीवी के साथ। खून चला, खून चला, आँखों के शीशे में उतरने को खून चला, बदन से टपक कर, जमीन से लिपट कर, गलियों से रस्तों से उभर कर, उमड़ कर।